हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के प्रोज सेक्शन में फर्स्ट चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का हिंदी में अध्ययन करेंगे, हिंदी में अनुवाद समझेंगे। इसे राइट किया है ब्रूकर टी वॉशिंगटन, और ब्रूकर टी वॉशिंगटन के बारे में बता दूं कि ये एक निग्रो थे और इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किया, और जब उन्होंने अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में सुना, तो उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे वहाँ पर जाना है और अपनी आगे की शिक्षा वहाँ से प्राप्त करनी है। तो इसी शिक्षा के संघर्ष के बारे में उनकी यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। तो आइए, ऑथर जो कि ब्रूकर टी वॉशिंगटन है, उन्होंने अपने शिक्षा के लिए संघर्ष में क्या क्या सामने संघर्षों को देखा, क्या क्या कठिनाइयाँ झेली, इसका अध्ययन करते हैं। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। एक दिन जब वो कोयले की खदान में काम कर रहे थे, तो उन्होंने दो वर्कर्स को, यानी जो वहाँ काम करते थे कोयले की खदान में, उन लोगों को एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो कि नीग्रो पीपल के लिए ही था। कलर्ड पीपल या नीग्रो पीपल वे पीपल हैं जो ब्लैक अमेरिकन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनके लिए वर्जीनिया में कहीं स्कूल स्थित था। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of a school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. कस्बे से भी बाहर कहीं वर्जीनिया में स्थित एक स्कूल है जो कलर्ड पीपल के लिए ही है, तो यह सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा वो स्कूल आकर्षित किया, आकर्षक लगा। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. और जैसा कि वो बातें करते चले जा रहे थे कि यह स्कूल कैसा है, तो राइटर को ऐसा लगा कि ऐसा स्थान तो धरती पर और कहीं होगा ही नहीं। Not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. About which these men were talking, और जिस इंस्टीट्यूट के बारे में ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे थे, दोनों वर्कर्स बात कर रहे थे, तो वो वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से प्रख्यात था। बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा, और इतना ज़्यादा आकर्षक तो उन्हें स्वर्ग भी नहीं लगा। इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। और पतझड़ के मौसम में, जो कि 1872 का समय था, तो उन्होंने डिसाइड किया, डिटरमाइंड, बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं वहाँ पे अब जाऊँगा। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। और मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत गहरी चिंता में थी इस बात को लेकर कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो संभव नहीं हो सकता है। एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट। और इस प्रकार से मैं आधे मन से ही उनके द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर सका, जिससे मैं अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लोथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस। और मेरे पास बहुत ही थोड़े से पैसे थे जिससे मैं कुछ कपड़े खरीद सकता था और बाकी यात्रा के दौरान खर्च में लगा सकता था। माय ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील। मेरे छोटे भाई जॉन ने जितना वो कर सकता था उतनी मदद की उसने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनफ नहीं था, बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। और अंत में
वो महान दिन आ गया जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए यात्रा स्टार्ट की। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सेचल दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग आई कुड गेट। और मेरे पास एक सस्ता सा झोला था जिसमें मैं जो थोड़े मोड़े कपड़े जुटा सकता था वो इकट्ठा करके उसमें रखा था। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। और उसी समय मेरी माँ इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनका बिल्कुल स्वास्थ्य गिर चुका था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। और उनसे दोबारा मिल पाना बड़ा ही मुश्किल था, ऐसे ऐसी मुझे आशा लग रही थी। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड। और इस तरीके से हमारा जो बिछड़ना हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखदाई रहा। शी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। और फिर भी वो इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मजबूती से मेरे सामने खड़ी रही, बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया। द डिस्टेंस फ्रॉम मार्लिन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। और मार्लिन से हैम्पटन की जो दूरी है वो लगभग 500 मील की दूरी है। बाई वॉकिंग बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स इन सम वे आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज आई रीच द सिटी ऑफ रिचमोंड वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। और फिर उसके बाद थोड़ा टहलते हुए कहीं मैं किसी कार में या फिर घोड़ा गाड़ी पर थोड़ी सी जगह मांगते हुए, और इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद मैं एक शहर पहुंचा जो कि वर्जीनिया में स्थित था, रिचमंड उसका नाम था। लेकिन अभी भी वो हैम्पटन जो कि वर्जीनिया में स्थित था वहाँ से रिचमंड से 82 माइल्स यानी 82 मील की दूरी पर भी अभी स्थित था। व्हेन आई रीच देयर, और जब मैं रिचमंड पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड हंग्री एंड डर्टी, इट वॉज लेट इन द नाइट। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, भूखा था, बहुत गंदा हो गया था, और मध्य रात्रि या बहुत ज़्यादा लेट नाइट में, देर रात में पहुँचा। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। मैं कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं गया था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी। और इस प्रकार से मेरी जो परेशानी थी वो बढ़ गई, मेरा जो कष्ट था वो बढ़ गया। व्हेन आई रीच रिचमोंड, जब मैं रिचमोंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस। और मेरे पास बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था वहाँ पे जो परिचय का हो, परिचित व्यक्ति ही नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और वहाँ सिटी के जो रास्ते थे, शहर के जो रास्ते थे, वो भी अनभिज्ञ थे। मैं नहीं जानता था रास्तों को। आई डिड नॉट वेयर टू गो, और मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि कहाँ पे जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग। मैं ठहरने के लिए बहुत से जगहों पर पूछा, बात किया, बट दे ऑल वॉन्टेड मनी। लेकिन वे सभी क्या चाहते थे? पहले पैसे चाहते थे, जो कि राइटर के पास नहीं था। एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव। Knowing nothing else better to do, I walked the streets. और ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मुझे यही बेहतर लगा कि मैं आगे चलूँ। तो I walked the streets, और मैं streets पर, रास्ते पर निकल गया पैदल ही। तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का। सेकंड को पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें वीडियो की। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।